कहना है जब होलिका ने प्रहलाद को जलाना चाहा तो हरि ओम का ही जाप किया प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद कि आई आँच नहीं अग्नि में, आई आँच नहीं अग्नि में, ये सो हरि ओम को जाप, ये सो हरि ओम को जाप। प्रार्थना है कि भगवान का जाप करें, कोई भी कितना बड़ा संकट हो टल जाएगा। आई आँच नहीं अग्नि में, आई आँच नहीं अग्नि में, ए सोहरि ओम को जाप, ए सोहरि ओम को जाप। कीनो हे प्रहलाद ने सुमरन, इस सतयुग की बात है। कीनो हे प्रहलाद ने सुमरन, आई उन्हें होलिका मारन। कीनो हे प्रहलाद ने सुमरन, आई उन्हें होलिका मारन। कीनो हे प्रहलाद ने सुमरन, उन्हें आई मारवे। बाको बाल भक्त को भौना, भक्त प्रहलाद का। बाको बाल भक्त को भौना, खा गो फुगा को उनको पाप। जो होलिका थी वो प्रहलाद की फुआ है। बाको बाल भक्त को भौना, खा गो फुगा को उनको पाप, खा गो फुगा को उनको पाप। आई आँच नहीं अग्नि में, ए सोहरि ओम को जाप, ए सोहरि ओम को भीषण मन से, त्रेता युग की बात है। सुमरु भक्त विभीषण मन से, बच गो उनको भवन अगन से। सुमरु भक्त विभीषण मन से, बच गो उनको भवन अगन से। जल गई, जल गई सोने की सब लंका, जल गई सोने की सब लंका। निश्चर रो रो करें बिलाप, निश्चर रो रो करें बिलाप। होता है बंधुओं, रच दे लोक भवन की रचना, जो कि पांडवों के बध के लिए लाख भवन की रचना की गई।
रच दई लाग भवन की रचना, मुश्किल भव पांडव को बचना। लाख भवन की रचना, मुश्किल भव पांडव को बचना। पांचों भैया कुंती मैया, पांचों भैया कुंती मैया, जाके बचा लयो हरिया, जाके बचा लयो हरिया। कलयुग की बात है, कहे रे परस राम समझाई, कलयुग केवल नाम सहाई। यहाँ भैया परशुराम कुशवाहा ग्राम भगारी जिला महुआ से जो कि कवि महोदय हैं, उनका कहना है कि कलयुग केवल नाम धारा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नरुत नहीं पारा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम नाम नहीं काहू व्यापा। वास्तव में कलयुग में केवल एक ही आधार है भव से पार होने का, कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम सुमरण करें, इसीलिए कहना। कहे रे परस राम समझाई, कलयुग केवल नाम सहाई। मन से करो हरि को सुमरन, मन से करो हरि को सुमरन, तेरे दूर होए तेहु पाप, तेरे दूर होए तेहु पाप। आई आंच नहीं अग्नि में, ऐसो हरि ओम को जाप, ऐसो हरि ओम को जाप।